हेलो एवरीवन, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अपने हैंगआउट में मैं गणेश चतुर्थी स्पेशल लेके आई हूँ इंस्टेंट मावा मोदक की रेसिपी। बनाना बहुत आसान है, बस आप वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं मोदक बनाना। यहाँ मैंने लिया है सैफरन मिल्क, केसर को दूध में भिगो दिया था और काजू और बादाम को बारीक काट के लिया है, इलायची पाउडर, घी, पिसी हुई चीनी और साथ में इंस्टेंट मावा के लिए मैंने लिया है यहाँ मिल्क पाउडर और एक ग्लास लिया है दूध। और इधर गैस पे मैंने रखी है कढ़ाई और इसमें अब डाल रही हूँ घी। घी को हल्का सा मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट हो गया है तो इसमें अब ऐड करेंगे दूध और दोनों को अच्छे से मिलने तक मिलाएंगे। गैस को धीमा ही रखेंगे। दोनों इसमें अच्छे से मिल गए हैं। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे सैफरन मिल्क, जो मोदक को एक अच्छा येलो कलर देगा। कोई फूड कलर नहीं है, बिल्कुल नेचुरल कलर है। और इन दोनों को भी इसमें अच्छे से मिला देंगे और एक बॉईल आने देंगे। दूध में उबाल आ गया है और अब इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालें और उसको लगातार चलाते रहें ताकि कोई भी लम्प्स ना बने। और गैस हम बिल्कुल धीमी रखेंगे। धीमी गैस पे इसको अच्छे से मिलने तक हमें मिलाना है ताकि ये बिल्कुल चिकना हो जाए। थोड़ी देर बाद आप देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल चिकना। अभी इसे और पकाना है तो मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए और ये बहुत गाढ़ा हो गया है। अभी और पकाएंगे इसको। ये देखिए थोड़ी देर बाद इसने बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दी है, तो इस स्टेज तक हमें इसको पकाना है। अब गैस बंद कर देंगे और इसको शिफ्ट कर लेंगे। मावा को मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है और अब इसके अंदर डाल रही हूँ इलायची पाउडर। इसको इसके अंदर अच्छे से मिला देंगे। इलायची पाउडर का फ्लेवर मोदक के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इसको अब रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पे हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो गया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये अपनी पिसी हुई चीनी। तो सारी चीनी एक साथ नहीं डालेंगे, पहले आधी चीनी इसमें डालेंगे और इस चीनी को इसके अंदर अच्छे से मिला देंगे। तो चीनी इसके अंदर अच्छे से मिल गई है। अब बाकी बची हुई आधी चीनी भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से इसमें मिला देंगे और इसका एक डो बना लेंगे हम। यहाँ चीनी अच्छे से मिल गई है और एक इस तरीके से डो बन गया है, लेकिन अभी ये स्टिकी हो रहा है तो हाथ में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और घी लगा के इसको हल्का हल्का मसल लेंगे। अगर चीनी मिलाने के बाद में मावा पतला हो जाता है तो आप उसे एक मिनट के आसपास गैस पर भून लें और फिर ठंडा कर लें, या फिर उसे फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए, वो सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिया है मोदक मोल्ड और इसको घी लगा के चिकना किया है और अपना ये मिक्सचर इसके अंदर हम अच्छे से सेट कर देंगे। दबा दबा के इसको भर देंगे ताकि मोदक हमारा ठोस बन के तैयार हो। तो इसके जो दोनों सांचे हैं उसमें हम इसी तरीके से इस मिक्सचर को अच्छे से दबा दबा के भर लेंगे। बीच में मैंने एक हल्का गड्ढा बनाया है और उसमें अब ये लगा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। दबा देंगे इनको और मोल्ड को अच्छे से दबा के बंद कर देंगे। नीचे से भी इसको सेट कर देंगे अच्छे से और जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देंगे और नीचे से जो इसकी सरफेस है उसको भी हम दबा दबा के अच्छा चिकना बना देंगे। और अब इस मोल्ड को हम बिल्कुल यहाँ पे धीरे धीरे खोलेंगे ताकि हमारा मोदक बढ़िया सा निकल के आए। ये देखिए कितना बढ़िया मोदक बनके तैयार हुआ है। जो भी एक्स्ट्रा है उसे उंगली की हेल्प से सेट कर लें। ये मोदक हमारा बनके तैयार हो गया है। सारे मोदक हमें इसी तरीके से बनाने हैं। आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया शेप आई है और बहुत ही अच्छे मोदक बने हैं। यहाँ मेरे इसमें 8 मोदक बनके तैयार हुए हैं। अब बारी आती है इस पर सिल्वर लीफ लगाने की, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ इस पर ये चांदी का वर्क, जो इसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। एक मोदक आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग के साथ में कितना बढ़िया और टेस्टी लग रहा है। गणपति बप्पा भी आ गए हैं मोदक खाने। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसे ट्राई कीजिए, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तैयार हुए हैं। आप जब भी मोदक बनाएं, अगर आपका मावा पतला हो जाता है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए और गैस पे भून लें और उसको ठंडा कर लें, या फिर आप उसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, वो सेट हो जाएगा और आप आसानी से मोदक बना पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक आप मोदक बनाइए और अपना ध्यान रखिए।